देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 7 आरोपियों को सजा का ऐलान कर दिया है। कुंटू सिंह समेत 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपितों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 10 मई को 9 लोगों को दोष सिद्ध किया गया था, लेकिन इसमें से 2 रिजवान और विजय यादव के अभी तक फरार होने के चलते आज उनकी भी पत्रावली अलग कर दी गई। पहले से 2 अन्य अभिषेक सिंह भोनू और अरविंद कश्यप भी फरार होने के चलते उनकी पत्रावली अलग थी। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने मंगलवार को फैसला सुनाया। ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह कासगंज जेल में, मृत्युंजय सिंह लखनऊ जेल में, दिनेश उर्फ दुल्हीन रायबरेली जेल में वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मौजूद रहे, जबकि विजय उर्फ सचिन यादव, अरविंद कश्यप, रिजवान, अभिषेक सिंह भोनू फरार चल रही हैं। संग्राम सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, दुर्ग विजय सिंह कोर्ट में मौजूद रहे। शिव प्रकाश के कट्टे से हत्या होने की बात सामने आने पर उनको अलग से 2 वर्ष तथा 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इन आरोपितों को पूर्व विधायक सर्वेश उर्फ सीपू सिंह की हत्या और हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया था। अभियोजन कहानी के अनुसार 19 जुलाई 2013 को सुबह जीएनपुर बाजार में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू और भारत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में जीएनपुर पुलिस ने जांच आरंभ की थी और ध्रुव सिंह समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई थी। इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए 2 अन्य आरोपियों दुर्ग विजय और शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसमें पिछले वर्ष पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कन्हैया और गिरधारी के विरुद्ध भी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। इसके अलावा एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग करके किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई थी। मुकदमे के अंतिम चरण में अरविंद कश्यप और अभिषेक सिंह भोनू फरार हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान और विजय यादव एल बयान मुलजिम के बाद फरार हो गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंह उर्फ टीपू, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू, वंदना सिंह समेत 20 गवाहों को परीक्षित कराया गया था। अदालत ने 10 मई को फैसला सुनाते हुए ध्रुव सिंह कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह, शिव प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्ग विजय, मोहम्मद रिजवान और विजय यादव को हत्या और हत्या की साजिश का दोषी पाया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक दीप नारायण, प्रदेश सरकार के विशेष संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह, स्वामीनाथ यादव, वंश गोपाल सिंह, रवि राय, संतोष सिंह ने पैरवी की थी। माननीय जज श्री रामानंद जी के कोर्ट में था और स्पेशल गैंगस्टर के कोर्ट भी है, 468/13 एसटी नंबर और क्राइम नंबर जो है 348/13, 302/120B का चार्ज था इन लोगों पर। और स्टेट ग्राम ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, कुल 13 अभियुक्त थे, इसमें एक अभियुक्त का चार्जशीट के बाद चला गया था बाल न्यायालय में मुकदमा और 12 अभियुक्तों के प्रति विचारण हुआ, जिसमें एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई कन्हैया और गिरधारी की, और इसमें बचे जो है 11 अभियुक्त। 11 में से 2 अभियुक्तों की पत्रावली पहले ही अलग हो चुकी थी, अभिषेक की और अरविंद कश्यप की 2 पत्रावली। कुल 9 लोग बचे थे, सजा के बिंदु पर 9 लोगों को सुनना था। 9 लोगों में आज 2 लोग चूंकि किसी भी स्थिति में न्यायालय में उपस्थित नहीं करा पाए लोग, इसलिए रिजवान और विजय तो उनकी पत्रावली अलग हो गई है। 7 लोगों के खिलाफ 120B और 302 में सजा हुई है, आजीवन कारावास और 50,000 का अर्थदंड 7 लोगों को। अच्छा, 4 लोग जो उसमें 7CLA 147 में थे, जिसमें 2 लोग फरार हो गए, रिजवान और विजय, मृत्युंजय और दिनेश को 2 लोगों को सजा 2-2 वर्ष की 147 में हुई है और 7CLA में 6-6 माह की। और 2 अभियुक्त जो है, एक अभियुक्त जो ये बचे थे, क्या नाम है, शिवप्रकाश और प्रकाश, इनको सजा हुई है 7 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 वर्ष का अर्थदंड
अर्दंड न जमा करने की स्थिति में 1 वर्ष का सश्रम कारावास।